नमस्कार दोस्तों, विराट कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको RGPB का पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट कार्ड जनरेशन के साथ साथ एनरोलमेंट फॉर्म और जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड इश्यू आते हैं, इन सभी की चर्चा यहां पर कर लेंगे और कैसे इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहां पर आज आप सभी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो को थोड़ा जैसा दिखाया जा रहा है उस हिसाब से आप देखते चलें और जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा आप फॉलो करते चलें, तो बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोर्स, इंस्टीट्यूट और ब्रांच सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिस्ट है जो कि उस कॉलेज और ब्रांचों की लिस्ट है जो आपने अभी ऊपर सर्च किया है। यहाँ पर आपको जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना है उसकी आईडी उस पर क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। जैसे ही आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर पहले से ऑटो फिल होकर के आएंगी। आपको सिर्फ यहाँ पर जो खाली चीज़ दिख रही है जैसे कि एड्रेस है तो एड्रेस को फिल कर देना है और जो भी यहाँ पर बाकी चीज़ें दिख रही हैं एज़ इट इज़ आपको फिल करते चलना है। तो मैं आप लोगों को पूरी प्रोसेस इसमें बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इशू जो ट्रांजैक्शन का आता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा फेल होते हैं RGPB के पोर्टल में, तो उसे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप दूर कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑटो सिलेक्टेड आता है अलीराजपुर, तो आपको उसे चेंज करके जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है और मोबाइल नंबर डालेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और यहाँ पर कि आपको पासवर्ड खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के लिए जगह दी गई है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहें वो पासवर्ड बना सकते हैं। 260 रुपये फ़ीस यहाँ पर शो हो रही है, तो ये आपकी जो फर्स्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन है ये वो फीस है। तो चलिए यहाँ पर आप पेमेंट कर दें। HDFC PayU से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से करना हो तो सिर्फ यूनियन बैंक की नेट बैंकिंग है। अदर बैंकों की नेट बैंकिंग के लिए आपको HDFC PayU ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के रखें। जैसे ये ट्रांजैक्शन आईडी आती है इसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी पेस्ट करके अच्छे से सेव कर देना है। ट्रांजैक्शन जब फेल होता है तो यही आपके काम आएगा। अब यहाँ से आप जिस भी मीडियम से पेमेंट करना चाहें, माध्यम से, उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर जा कर के, तो मैं यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करके बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और जो भी इश्यूज़ है, जैसा कि स्मार्ट कार्ड जनरेट करना है इसको मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। जैसा भी आप स्मार्ट कार्ड जनरेट करेंगे उससे पहले आपको फ़ोटो साइन अपनी स्कैन करके अपलोड करके रख लेनी है डेस्कटॉप पे या जहां आप कंप्यूटर में सेव कर लेना है। और चलिए यहां पर पोर्टल फीस जो है पे हो चुकी है। ये इस टाइप से ट्रांजेक्शन फेल का इशू आता है। देखिए ट्रांजेक्शन फेल का इशू आ रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मैसेज दिया जा रहा है RGPB पोर्टल पर। तो आपको इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर से आपको होम पेज पे आके स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर देना है और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था जो आपने सबसे स्टार्टिंग में टिक किया था उसका भी आपको प्रिंट स्क्रीन लेके रख लेना चाहिए क्योंकि वो नंबर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही आपने लॉगिन किया तो लॉगिन हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। सिर्फ रह गई फीस की जानकारी कि फीस की रसीद कैसे निकलेगी, तो वो लॉगिन होने के बाद निकल जाएगी। उससे पहले आपको वैक्सीनेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। जो भी वैक्सीनेशन आपका है, फर्स्ट है, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज या दोनों है, तो उसको डेट के साथ यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको मंथ और फिर डेट और फिर ईयर्स इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको डालना होगा, तभी आपका ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट डोज लगा है तो उसे सबमिट कर दिया है। डिटेल सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। अब आपको स्टूडेंट सर्विस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर स्मार्ट कार्ड की जानकारी दिखेगी। आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पहले बोल रहा है कि आप एनरोलमेंट फॉर्म पहले भरें। तो सबसे ऊपर स्टार्टिंग में ही आप देख पा रहे हैं कि फिल एनरोलमेंट फॉर्म का ऑप्शन है सबसे ऊपर स्टार्टिंग में, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है और शो माय एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल यहां पर फिर से एक बार आपके सामने आ जाएगी। अब जो भी यहां पर ब्लैंक चीज़ें आपको दिख रही हैं, रिलीजन फिल कर दें, मदर्स नेम नहीं लिखा हुआ है उसे फिल कर देना है, आधार नंबर कंपलसरी है डालना और जो एड्रेस है वो आपको नीचे जो परमानेंट एड्रेस है उसी को कॉपी करके आप ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर किस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, CLC राउंड में या जिस भी राउंड में हुआ है, आप यहाँ पर 12th की डिटेल फिल कर सकते हैं। दोनों जगह आप 12th की डिटेल फिल कर दें, मार्क्स ऑब्टेन और मार्क्स जो आपका टोटल मार्क्स हैं 12th के वो यहाँ पर फिल कर दें। अब आपका अगर RGPB से MP बोर्ड से है
एमपी बोर्ड्स है तो आपको एमपी पर सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ अदर स्टेट पर सिलेक्ट करके आपको अगर अदर स्टेट पर सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पर आप फिर उसका एक बार फिर आपको स्कोर डालना यहाँ पर पड़ेगा। तो बोर्ड यहाँ पर डाल दें, एमपी बोर्ड डाल दें और ईयर जो भी आपका लगता है वो सिलेक्ट कर लें और फीस की डिटेल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर एक बार फीस की डिटेल आ चुकी है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा पेमेंट फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस करेंगे, फिर सेम प्रोसेस है। तो ये तो आपको पता ही है, एक बार आप कर चुके हैं तो सेम वही प्रोसेस है जैसा कि आपने पोर्टल रजिस्ट्रेशन में किया था। तो ये आपका यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म फिल हो गया। देखिए फिर से आप लोगों को होम पेज पर जाकर लॉगिन कर लेना है, सेम वही प्रोसेस है। इस बार आपको फ़ोटो और साइन अपनी जो प्रोफाइल है उसे अपडेट करना है। स्मार्ट कार्ड में फ़ोटो और साइन लाने के लिए आपको प्रोफाइल में जाना पड़ेगा और उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो चाहे तो अभी आप प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं जो दो पेमेंट फेल हुई हैं, लेकिन वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा ताकि एनरोलमेंट फॉर्म में फ़ोटो भी आ सके। बिना फ़ोटो के आप पावती प्रिंट करेंगे तो उसमें फ़ोटो नहीं आएगी। तो चलिए अब यहाँ पे आपको आ जाना है प्रोफाइल में और सीधे अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कर देना है। आपने जो फ़ोटो और साइन स्कैन करके रखे हुए हैं तो आपको फ़ोटो पर क्लिक करके अटैच फ़ोटो पर क्लिक कर देना है ताकि आपकी फ़ोटो यहाँ से अपलोड हो जाए। सिमिलरली आपको अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है, सेम आपको चूज़ फाइल करनी है और जहाँ भी सिग्नेचर आपके रखे हुए हैं उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है और अटैच सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। सिंपली आपको फिर व्यू स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करना है जो कि नीचे दिया हुआ है। व्यू स्मार्ट कार्ड पर क्लिक करेंगे ताकि स्मार्ट कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाए। चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और वेरीफाई फॉर प्रिंट करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने से पहले आप एक बार डिटेल चेक कर लें, क्योंकि एक बार आपने वेरीफाई पर क्लिक कर दिया तो फिर ये डिटेल चेंज नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों ये थी स्मार्ट कार्ड को जनरेट करने की प्रोसेस। यही स्मार्ट कार्ड है आपका और इससे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। सिलेक्ट करके निकालेंगे तो अच्छी क्वालिटी में और सिर्फ उतना ही एरिया आएगा जितना कि आपको स्मार्ट कार्ड का यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों ये थी स्मार्ट कार्ड जनरेशन की प्रोसेस। अब आपको तीनों रिसिप्ट जो आपने दो पेमेंट की है उनकी रिसिप्ट भी आपको निकालना है, एक पोर्टल रजिस्ट्रेशन की, एक एनरोलमेंट फॉर्म की और ये स्मार्ट कार्ड आपने प्रिंट आउट दे ही दिया है। तो चलिए फिर से आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू रिपोर्ट्स का। तो व्यू रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, एनरोलमेंट फॉर्म ऑलरेडी लिखा हुआ है इसे व्यू करेंगे तो यहाँ पर आपका जो एनरोलमेंट फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा और इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों अगर फ़ोटो के बिना आप निकाल लेते तो ये आपकी यहाँ पर फ़ोटो नहीं आती, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में आपको ये बताया है। इसी प्रकार आप ड्रॉप डाउन में आपका जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल रजिस्ट्रेशन उसको सिलेक्ट करेंगे और व्यू रिसिप्ट करेंगे तो सबसे पहली रिसिप्ट जो कि ट्रांजैक्शन फेल बता रहा था तो उसकी रिसिप्ट भी आप यहां से निकाल सकते हैं। ये तीनों रिसिप्ट आपको कॉलेज में जमा करनी पड़ती हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस पोर्टल रजिस्ट्रेशन से लेकर एनरोलमेंट फॉर्म तक की। एग्ज़ाम फॉर्म आने पर यहाँ पर थर्ड